जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आपको युद्ध में चलना पड़ेगा क्योंकि आपके बिना विजय श्री संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं चला तो मैं आ तो जाता आपके साथ, लेकिन मेरी ना एक विवशता है कि मैं कथा के बिना रह नहीं पाता हूँ। अब वहाँ युद्ध में तो कथा हमें सुनने को मिलेगी नहीं, तो हम कैसे रहेंगे? आप यदि कथा सत्संग का प्रबंध कर सको तो हनुमान जी चलने को तैयार है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हनुमान जी यदि कथा सत्संग से ही बात बन जाती तो ये श्री कृष्ण कभी युद्ध होने देता क्या? अरे हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन वहां हनुमान जी कथा प्रवचन से काम नहीं चलेगा, वहां तो युद्ध होगा। तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु जी हमें क्षमा करें, हम अपने भगवान की सेवा में हम कहीं नहीं जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए कि यदि हनुमान जी नहीं जाएंगे, यदि ये अर्जुन के रथ पर नहीं बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके लिए कथा का प्रबंध करेंगे, हम सत्संग का प्रबंध करेंगे। आज हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ आ गए और अर्जुन के रथ के ऊपर जाकर बैठ गए, ध्वजा के ऊपर जाकर बैठ गए। अब जब भीष्म पितामह अर्जुन के रथ पर बाणों की बौछार कर रहे थे, उस वक्त अर्जुन का रथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। भीष्म पितामह जैसे योद्धा बाणों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के रथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो महाराज अर्जुन जी फूल कर लड्डू हो गए, बोले क्या बात है, सामने से भीष्म पितामह जैसे योद्धा बौछार कर रहे हैं लेकिन हमारा रथ बिल्कुल पीछे नहीं खिसक रहा है। तो आज अर्जुन बड़ा मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव देख रहे हो आप, सामने से भीष्म पितामह बौछार कर रहे हैं लेकिन अपने रथ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप नीचे देखो प्रभु, नीचे बिल्कुल भी रथ खिसका नहीं है। तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, इसलिए तुम्हारा रथ पीछे नहीं खिसका, वरना अर्जुन तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है भैया कि तुम भीष्म पितामह से युद्ध कर सको, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो संत जन कहते हैं कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, वास्तव में गीता तो हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि प्रभु कहकर आए थे कि हम आपको सत्संग से वंचित नहीं करेंगे, हम आपको कथा से वंचित नहीं करेंगे। अर्जुन के तो मोह का बहाना था। अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मस्तक पर हाथ भी रख देते ना तो अर्जुन का सम्मोह माया सब खत्म हो जाता। अरे भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ शेष रह जाता है, लेकिन वो तो प्रभु की लीला थी कि अर्जुन के माध्यम से ये गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ हम सभी को देना था, ये प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है।